फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर वन केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। और अगर आपको ईयर वाइज सिलेबस चाहिए तो आप ऐसा समझें कि फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। सेकेंड ईयर में फिर दो सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर। थर्ड ईयर में फिर दो सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर फाइव और सेमेस्टर सिक्स। ऐसे ही टोटल हो गया हम लोग के पास सिक्स सेमेस्टर्स। तो कॉलेजेस ज़्यादातर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसलिए हम लोग आज सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहला सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो ज़्यादा नहीं वेट करते हैं, चलिए सिलेबस पे देखिए। पहला सेमेस्टर में हम लोग का दो पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, दो ही पेपर है बस, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं और इधर हम लोग फिज़िकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक में टोटल चार चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकेंड चैप्टर है पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और फोर्थ चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बस ये चार ही चैप्टर्स हैं। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी टोटल चार चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है गैसियस स्टेट, सेकेंड चैप्टर है लिक्विड स्टेट, थर्ड चैप्टर है सॉलिड स्टेट और लास्ट फोर्थ चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।